हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर फायर यूट्यूब चैनल। ये चैनल है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स और अलाइड कोर्सेज के लिए। मैं बेसिक्स लाइक क्लास 11, 12 से शुरू करके हाई एजुकेशन्स तक का वीडियो लाऊंगी और अपडेट्स भी लाते रहूंगी जो भी आपका एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स होंगे। तो ये अभी मैं 12th का शुरू कर रही हूँ, चैप्टर 1 से, यूनिट 1। So what is horticulture? Horticulture is the branch of agriculture which deals with the cultivation of fruits, flowers and vegetables. Agriculture is a branch of science but horticulture is a branch of agriculture. ये agriculture का भाग ये है horticulture, जो कि आपका deal करता है cultivation of किसका, fruits, flowers, vegetables and their post-harvest। चलिए यार, पोस्ट हार्वेस्ट तो हम लोग करेंगे ही, अगर हम लोग उगा ही रहे तो बाद में तो उसका हर चीज़ प्रोसेसिंग वगैरह हम लोग करते ही हैं। देखिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, कॉमर्शियल फ्लावर, मेडिसिनल क्रॉप्स, ऑरोमेटिक स्पाइसेस, ये सब आपका किस में आ जाता है? हॉर्टिकल्चर में आ जाता है। हॉर्टिकल्चर अपने में बहुत वास्ट है, इसका स्कोप भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये आपका सेल पर्पज़ के लिए हम लोग ग्रो करते हैं, ठीक है, गार्डनिंग के लिए भी करते हैं, ऐसा नहीं है। फिर आपका आता है, मैं जो ये बना रही हूँ नोट्स, मैंने एनसीईआरटी को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, द फर्स्ट इज मेडिसिनल वैल्यूज ऑफ मेडिसिन मेडिसिनल प्लांट्स विच आर ग्रोन इन हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहले आता है आपका रोज़ वाटर। रोज़ वाटर को क्या है, आँख में डाल लिया, आँख सही हो जाता है। सैफ्रॉन जो होता है वो आपका आपका शरीर गर्म करता है, ठंड में तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं खुद भी रात को हल्दी, दूध और केसर डाल के पीती हूँ और ये आपका बहुत सारे मेडिसिंस में भी काम आता है। फिर आपका पपेन होता है, पपेन एक तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि आपका पपाया में पाया जाता है। फिर रिंड ऑफ पॉमग्रेट एंड पेक्टिन फ्रॉम गुआवा यूज्ड फॉर स्टमक अपसेट। ये जो आपका अनार होता है ना, अनार का अगर छिलका को आप पाउडर कर देते हैं और उसमें दूध मिला दिए, फिर मुंह पे लगा लो, उससे भी बहुत मस्त चमक आती है। एंड ये आपका मतलब स्टमक के लिए भी अच्छा होता है, पेक्टिन आपका गुआवा का भी स्टमक के लिए अच्छा होता है। फिर आता है बार्क ऑफ अर्जुन ट्रीज, ये आपका हार्ट ट्रबल्स में मदद करता है। मैंने खुद ये ट्राई कर रखा है, मतलब मेरी फैमिली में एक को था ये था, फिर आंवला, ये सब ट्राई कर रखा है। अच्छा, एक वाव फैक्ट बताती हूँ आपको। मैंने ऐसा सोचा है कि मैं हफ्ते में 3 वीडियोस डालूँगी एंड उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स एंड डिमांड। और मैं हर वीडियो में एक वाव फैक्ट डालूँगी, तो इस वीडियो का वाव फैक्ट जानने के लिए आप थोड़ा और आगे तक बने रहे मेरे साथ, ठीक है। अब आता है इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, ये सब हम लोग बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं। तो इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, अगर आप फील्ड क्रॉप्स मतलब एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स से कंपेयर करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का, तो इन दोनों में से जो पर हेक्टेयर यील्ड होती है वो आपका ये हॉर्टिकल्चर की ज़्यादा होती है। आप एक टेबल से भी देख सकते हैं, जैसे पैडी का अगर वो एक ईल्ड में एक हेक्टेयर में अगर 30 ईल्ड देता है तो आपका जो बनाना होता है वो आपका 300 से 500 देगा, पाइनएप्पल 500 देगा, ग्रेप्स आपका 90 से 150 तक देगा। तो ये इसका ईल्ड होता है, देखिए क्विंटल है, ठीक है, क्विंटल है, क्विंटल याद रखिएगा, ठीक है, पर हेक्टेयर। फिर आपका आता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओए होए होए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पॉलिश टाइम आएगा। एग्रीकल्चर हो गया ना, सारे एग्रीकल्चर में एक काम ज़रूर करता है, सारा एग्रीकल्चर जो होता है वो एक काम ज़रूर करता है, वो आपको एम्प्लॉयमेंट ज़रूर प्रोवाइड करता है। तो ये तो आपको किसी में भी काम आएगा, बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर, बेनिफिट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर और बेनिफिट्स ऑफ लाइफ स्टॉक, सब में ये चीज़ आएगा, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब आता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन, हाँ, इसमें ऐसा होता है कि आपका जो एग्रीकल्चर है वो एक सीजनल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का ये एक थोड़ा है कि आपका सीजनल एक्टिविटी है और सीजन एक्टिविटी की वजह से जो इनकम फ्लो होता है वो
थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता, इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप क्रॉप रोटेशन करो या IFS इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम वगैरह करो अपने फील्ड पे। तो नंबर ऑफ डेज जो एक एग्रीकल्चर क्रॉप आपको देता है वो मच लेस है एज़ कम्पेयर टू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जो आपको लगभग नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेज देते हैं। ठीक है, अब आता है आपका सोर्सेज ऑफ, ये आपका सोर्स ऑफ टिम्बर एंड फ्यूल है, क्योंकि मैंने अभी बताया ऊपर कि आपका इंडिविजुअल ट्री भी आप ग्रो कर रहे हो तो वो एक पार्ट है हॉर्टिकल्चर का। क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग फॉरेन करेंसी, हम लोग जब भी कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं तो हम लोग जो डील करते हैं एक्सचेंज ऑफ करेंसी वो डॉलर्स में करते हैं। अगर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे फ्रूट्स वगैरह को और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स को तो ये आपका क्या देगा, फॉरेन करेंसी देगा, और इससे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हमारी GDP वगैरह में मदद भी करता है। फिर आपका आता है रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, हम लोग खाते हैं ना एप्पल का जैम, आम का अचार, जैस्मिन फ्लावर का परफ्यूम, हम लोग ये सब यूज़ करते तो हैं ही, ये सब क्या है, ये सब इंडस्ट्रीज़ बनाती है और जो इंडस्ट्रीज़ होती है ये सब हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स का यूज़ करती है एज ए रॉ मटेरियल, उसका प्रोसेसिंग करते हैं वो लोग, प्रॉपरली प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग करते हैं। हायर स्टडीज़ में पूरा ये इन डिटेल है, मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी जब मैं हायर एजुकेशन का शुरू करूँगी। फिर आपका है यूज़ ऑफ अनड्यूलेटिंग लैंड्स, अब इसका क्या है ना, जैसे आपका अनड्यूलेटिंग लैंड्स होते हैं ना, ये पहाड़ों के ऊपर स्लोप टाइप में रहेगा, ठीक है, वहाँ भी ये आराम से मतलब थोड़ा ग्रो कर लेते हैं आराम से, ठीक है। ये आपका कौनकान है, ये आपका महाराष्ट्र में है, बहुत सुंदर है, जाना घूमने बहुत अच्छा है। फिर आपका आता है रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिंस, सही बात है, हम लोग कहते हैं ना एप्पल वगैरह खाओ, आपको मिनरल्स वगैरह मिलते हैं उससे, फ्रूट से और फिर गाजर वगैरह से, तो ये एक रिच सोर्स होता है विटामिंस एंड मिनरल्स का। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड, आपका लीची हो गया, फिर एप्पल हो गया, ये वुड एप्पल हो गया, ये सब आपका वेस्ट लैंड में आराम से उग जाते हैं, कोकोनट हो गया, ये सब आपका उग जाते हैं। बट हाँ, एक दिक्कत जो आती है वो ये आती है, थोड़ा वेस्ट लैंड में ड्रेनेज वगैरह थोड़ा अच्छे से देखना पड़ता है, बिकॉज वो इतना प्लान्ड नहीं होता, वो थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हाँ वेस्ट लैंड में भी हम लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर है हायर रिटर्न्स पर यूनिट एरिया, अब ऑब्वियसली इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ये हाई रिटर्न देगा है, क्योंकि एक एरिया में आपका ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में आपका ज़्यादा यील्ड हो रहा है। फिर है रिलीजियस इम्पोर्टेंस, हाँ एस्थेटिक वैल्यू तो एकदम है, हम हमारा भारत महान, हम अपने भारत में तुलसी जी की पूजा करते हैं, मैं खुद सुबह उठ के जल डालती हूँ, बिलपत्र इतना इम्पोर्टेंट है हमारे शिव जी के लिए, पीपल का पेड़ भी का भी पूजा होता है, बल सवेत्री में भी आपका पेड़ के चारों तरफ वाला परिक्रमा करते हैं, तो रिलीजियस इम्पोर्टेंस तो बहुत ही है। अब आपका आता है न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसमें ना क्या है, कुछ खास पर आने लायक नहीं, इसमें आपको क्या करना है ना, शांति से बस कुछ चीज़ें का ध्यान रखना है, फैट ये वो, आपको डिफिशियंसी सिम्टम्स इन सब का सोर्स इससे कितना क्या मिलता है ठीक है ये पता भी होना चाहिए, सोर्स डिफिशियंसी एंड डेली रिक्वायरमेंट तो एकदम ही पता होनी चाहिए ठीक है, और कुछ तो नहीं टूट रहा, जो होगा एक बार आप देख लीजिएगा, और ये आपका हो गया एक्सेलेंट, ये सब क्या है ना, यहाँ पे मैंने लिखा तो था कि आप पहले ये सब अच्छे से लर्न कर लेना ठीक है, फिर याद करके खुद से लिखना, मैंने इसलिए ये ब्लैंक छोड़ दिया है।
और हाँ, इसके नोट्स चाहिए ना आप लोगों को, तो कमेंट करो नीचे, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, शेयर करो। मैं इसका नोट्स जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। फिर आपका है फाइबर में क्या है, फाइबर आपका जो होता है वो प्लांट मटेरियल बेस्ड ये सब्सटेंस होता है, खाने का चीज़ होता है, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज होता है। हम लोग जब इसको खाते हैं ना, हमारी ये लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपका जो लॉन्ग होता है उसको हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत छोटे 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 पैटर्न छोड़ देते हैं, और ये फिर आपका स्मॉल चेन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको हम लोग खाते हैं तो ये हम लोग को फुलफिलमेंट देता है, हम लोग को सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जब होता है, तो हम लोग फालतू की एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खाते हैं, डाइट मस्ट मेंटेन रहता है। लेकिन टू मच ऑफ फाइबरस फूड इज़ नॉट दैट गुड, हम लोग को ज़्यादा भी फाइबरस फूड नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि मतलब ऐसा है ना कि आप इसको अपने डेली डाइट में मेंशन करो, बट इसको ओनली डाइट मत बनाओ अपना। डेली में चलो ठीक है, मैं खा लो खाओ, बट ओनली मत बनाओ, ठीक है। और फिर हाँ, इसके दो फॉर्म होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल ज़्यादा खा लिया ना आपने तो बस, और पानी ढंग से नहीं पिया तो वो हो जाएगा आपका हार्ट स्टूल फॉर्मेशन हो जाएगा। इनसॉल्युबल ज़्यादा हो गया ना तो फिर डायरिया वगैरह हो जाएगा, तो इसलिए आराम से। तो यही है लेक्चर और एक वाव फैक्ट ऑफ द डे। वेल, अश्वगंधा जो होता है मेडिसिनल प्लांट से मुझे थोड़ा लगा, थोड़ा टॉपिक से रिलेवेंट रखती हूँ। तो वाव फैक्ट में है अश्वगंधा जो होता है एक मैजिकल प्लांट है। अश्वगंधा का जो आपका लीव्स होता है और जो रूट होता है, लीव्स जो होता है इट्स गुड फॉर फैट लॉस, एंड जो रूट होता है गुड फॉर वेट गेन। घर में कोई एक आदमी मोटा है कोई पतला है, अश्वगंधा उगा लो। जो मोटा होगा वो लीव्स का जूस निकाल के पी लेगा, जो पतला होगा वो रूट्स का निकाल के पी लेगा, ठीक है। ये मेरा सेल्फ टेस्टेड है, इट वर्क्स। थोड़ा तमाम में पानी पियो, बहुत सही रहेगा, ठीक है। बाल झड़ रहे हैं किसी के यहाँ पे, या फिर बाल झड़ तो नहीं है, मतलब बाल थोड़ा रफ हो रहा है किसी का यहाँ पे? हाँ, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा नुस्खा है, बताऊँ? नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें बताऊँगी ये वाव फैक्ट कि आपका अगर बाल रफ हो रहा है ना उसके लिए क्या करो। एग्रीकल्चर रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स बताऊँगी, ठीक है। अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करो, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। और अगर आपको कुछ और जानना है, पूछना है, या कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ओम साई राम।